भगवान, दो राउंड पास हो गए हैं, HR राउंड और पास करवा दो, पहली सैलरी आपकी दान पेटी में डाल दूंगा। क्या बॉस, फोन छोड़कर इंटरव्यू पर ध्यान दो। इस कंपनी की डिटेल चेक कर रहा हूँ। इस कंपनी की डिटेल्स, उसमें चेक क्या करना है भाई? बेस्ट केवल इनकम की वजह से नहीं होती, कस्टमर्स भी बढ़ने चाहिए। इस कंपनी का मुनाफा तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन ग्राहक कम होते जा रहे हैं। अगर मुझे ये जॉब मिला तो मैं इसी इश्यू पर ध्यान दूंगा। एक्सक्यूज मी, लगता है बहुत ज्यादा टेंशन में हो। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो इंटरव्यू में पास हो गए तो मिल जाएगा। ये कॉर्पोरेट जॉब है। प्रोजेक्ट्स और टारगेट्स के रूप में यहाँ हर रोज एक नया इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लेने वाले को हमें ये एहसास दिलाना होगा कि हमसे बेटर कोई नहीं है। सो बी कॉन्फिडेंट। गाइस, इंटरव्यू इज ओवर। क्या कह रहे हैं, इंटरव्यू खत्म? कब और किसने ली? यहीं और इसी वक्त। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विक्रमादित्य। And the selected candidates are Bharat and Mansa. आपने हम में से सिर्फ इन दोनों को ही सेलेक्ट क्यों किया? मुझे ये बात अच्छी लगी कि तुमने दूसरे कैंडिडेट से डरे बिना उनकी मदद की। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया। थैंक यू सर। इसने ये नहीं सोचा कि कंपनी इसे क्या देगी, बल्कि इसने ये सोचा कि ये कंपनी को क्या दे सकता है। तुम्हारा इंटेंशन अच्छा लगा। थैंक यू सर। Got it? तुम ठीक तो हो? फिलहाल तो वो ठीक है। ए, तुम कौन हो? मेरा नाम जानकर क्या करेगा? तेरी भांजी को मैंने किडनैप किया है। किडनैप किया? तू चाहता है वो सही सलामत घर पहुंचे तो कल सुबह तक 50 लाख तैयार रख। पैसे कब और कहां पहुंचाने ये बताने के लिए मैं फोन करूंगा। तूने चालाकी की या पुलिस को खबर की तो उसे मैं मार दूंगा। प्लीज वेट वेट, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डैड, आप सब कौन हैं? I'm शरद चंद्र, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सर। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी भांजी को किडनैप किया गया, ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली है। आपसे किसने कहा मेरी भांजी किडनैप हुई है? आपको किसी ने गलत खबर दी है सर। आप उन्हें 2 मिनट के लिए यहाँ बुला लीजिए, हम चले जाएंगे। पढ़ाई के लिए वो हॉस्टल में रहती है। आप हमारी फोन पर बात करवा दीजिए, कन्फर्म हो जाएगा। आप मेरी बात सुनिए। डैड, मैंने इन्हें बताया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? डैड, संयुक्ता के लिए 50 लाख तो क्या, हम 50 करोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन जिसने उसे किडनैप किया है उसका पता लगाना जरूरी है। अगर हमने पुलिस को बताया तो वो संयुक्ता को मार देगा। मेरे बताने से पहले क्या आपको पता था कि मैं पुलिस वाला हूं? अगर वो प्लान बना सकता है तो हम भी प्लान बना सकते हैं। इस ब्रीफकेस के अंदर GPS सिस्टम लगा हुआ है, कैश इसी के अंदर ले जाइएगा, और उसके बारे में पता लगाने के लिए हम आप सभी के नंबर टैप करेंगे। कैश रेडी है ना? हाँ हाँ, कैश रेडी है। बताओ कहाँ पहुँचना है? मेरा बेटा लेकर आएगा। काली पैंट सफेद शर्ट पहनाकर 9 बजे सेंट्रल मॉल भेजो। कार कहाँ है? पीछे की तरफ खड़ी है सर। Take care, sir. Guys, Central Mall. Malaysian Shopping Mall para. Okay. Malaysian Shopping Mall.
सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर वॉशरूम में आ जाओ। वॉश बेसिन के नीचे एक ब्राउन बैग पड़ा है, ब्रीफकेस से कैश निकालकर उस बैग में डाल दो और ब्रीफकेस को वहीं फेंक दो, फिर बैग लेकर सीधा चौथे फ्लोर पर आ जाओ। जीपीएस वाला ब्रीफकेस मिसिंग है सर। बोलो। तुम्हारे पीछे बेबी लैंड शॉप है, उसके अंदर जाओ। के अंदर एक ब्लैक कलर की टोपी, उसे उठा। अपने फोन को स्विच ऑफ करके वहां पर रख दो और वहां जो फोन है उसे उठा लो। गाइस कुछ तो गड़बड़ है, बी अलर्ट। उस टोपी को पहनकर लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ जा। लिफ्ट से बाहर निकलते ही एग्जिट नंबर 2 के सामने तुम्हें एक बिना नंबर प्लेट की सफेद गाड़ी दिखेगी। उसकी डिक्की में पैसों वाला बैग रख देना। मेरी कजन कहां है? पहले जो कह रहा हूं वो करो। गाइस आदित्य लिफ्ट से नीचे जा रहा है, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। आदित्य ने ब्लैक कैप पहनी, उसका पीछा करो केयरफुली। यस सर। जैसे कपड़ों में इतने सारे लोग कहां से आ गए? मतलब ये उसी की कोई चाल है, वो अकेला हम सबको फंसा रहा है। डियर ऑफिसर्स, शहर में दिन प्रतिदिन किडनैपिंग और लूटमार के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इन केसेस को सुलझाने के लिए मैंने एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है। वो कौन है सर?
अभी जा राजा। चल भाग। भागा तो मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। और अगर नहीं भागा तो तुझे क्या ढोकला फाफड़ा खिलाएगा? उसने एक बार नक्की कर लिया तो टिकट कट गया, समझ ले। सर एक साथ में दो चीज नहीं चलाते, सिगरेट जब तक चालू है गोली नहीं चलाएंगे। अब ज्यादा मत सोच, चल भाग भाग। इंस्पेक्टर विजय को भागते हुए क्रिमिनल्स का शिकार करना पसंद है। लोगों के नाम के बाद उनका सरनेम आता है, मेरे नाम के आगे पीछे एनकाउंटर आता है। फिर से सपने में एनकाउंटर किया बेटा। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, अगर लेट हुआ ना तो वो सीनियर तेरा ही एनकाउंटर कर देगा। ये वर्दी पहनना बहुत गर्व की बात है बेटा, ये तेरी जिम्मेदारी है कि इस वर्दी की इज्जत हमेशा बनी रहे। ऐसा कुछ मत करना जिससे इसकी शान घटे। यस मॉम। सर इधर आइए सर। यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं सर। अमृत मुहूर्त शुरू हो गया है, शुरू किया जाए। हम सबसे तेज, सबसे चालाक, हम सभी में सबसे वफादार। अकेले तुम ही बोलोगे क्या? जो लिखा है समझ में नहीं आया या हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगी? बिना कोई कुंडली देखे सिर्फ मेरी हिम्मत देखकर पंडित ने कहा था मैं पुलिस वाला बनूंगा। तुम लोग मेरा गुस्सा देखना चाहते हो? तू देखेगा के चालू करो। हम में से सबसे तेज और चालाक हमारे सीआई सर फ्रॉम गुजरात। हम हमेशा आपके सेवक बनकर रहेंगे और जब कोई तरक्की होगी तो उसका सारा श्रेय हमेशा आपको ही देंगे। हम ये शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। जय हिंद। मुझे समझ में आया ना बकुड़ा? समझ में आ गया सर। बोल क्या समझ में आया? स्कूल की तरह अब पुलिस स्टेशन में प्रेयर होगी। इसने मेरी बेइज्जती की क्या? तारीफ। सर एसपी साहब आ गए हैं। और एसपी साहब आ भी गया सर। Who is the in charge of this house? वो तेरी ये इंग्लिश कब से सीख गया? क्या बोला इसने? कुछ खास नहीं सर, पूछ रहे हैं कि इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन है। मैं हूँ सर। What is the crime rate? रेट ने सर, हाँ कहूँ छू सर, भिखारी पकड़ा तो 100 रुपया सर, जेब कतरे को पकड़ा तो 200 रुपया सर, पानी पूरी वाले को पकड़ा तो 300 रुपया सर। सर क्राइम रेट पूछ रहे हैं सर, आपका रेट नहीं। मम्मी नौकरी गई आपकी? सर सर आई टेक नो रिश्वत सर। 1 wife सर, 2 small children सर, घर चलाने के लिए करना पड़ता है सर। What is he saying? So actually what he's saying is, compared to last month, our crime rate has dropped by 13% and we've installed CCTV cameras around the station to monitor from here. Good job. Thank you, sir. अगर तुम्हें English नहीं आती, तो इससे बाद में सीख लेना। Sure. और अगर नहीं सीख पाए, तो हिंदी में ही बात करना। क्या बेटा? Yes, sir. शपथ लेके 10 मिनट भी नहीं हुए अब तक और इसने मेरी साइड काट ली। अगर इसकी स्पीड पे ब्रेक नहीं लगाया तो मेरी जिंदगी बिना सूखे पापड़ जैसी हो जाएगी। इसको ब्रेक क्या लगाओगे सर, ये कोई रोड पे चलती हुई कार या बस नहीं है, ये तो पूरी की पूरी मिसाइल है। Simplicity is the one man show, that's all it takes to be on the go, make no mistake, that would help you grow this.
कौन है रे? अबे देख क्या रहा है, चल निकल, तेरे को बोल रहा हूँ, चल फुट। छोड़ दो, चल निकल तो यहाँ से। तू जा रे? क्या भाई, सबको एक ही बार मारा और मेरे को 10-10 बार मारा तुमने। तेरा लंगोटिया यार समझा है, जो एक दो मार कर छोड़ दूंगा। पुलिस, तू पुलिस वाला हो या कोई पोस्टमैन? पता है तूने किसको ललकारा है? वाइजैग इलाके के वाइजैग ज्योति को। नाम से तो पता नहीं चलता लड़का या लड़की, क्यों मैं ज्योति? भाई आपके नाम की बेइज्जती कर रही है। अरे छोड़ ना रे बाबा, प्यार से बोल रहा होगा, भड़क मत। आपके नाम से सब लोग इस इलाके में कांपते क्यों हैं? पावर पावर, और वही पावर आपको उसको दिखानी होगी भाई। जाओ। मेरे को फंसा कर खुद भाग गया भाई। आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने माफ किया। नहीं बेटा, अगर फिर किया ना, अगर तूने मेरे को एक बार और मारा तो देख लेना मैं क्या करूंगा। बताना क्या करेगा। मैं रो दूंगा सर। बहन तुम ही बोलो ना इसको। अगर किसी लड़की को आंख उठाकर भी देखा ना। भाग रहे बेटा। थैंक यू। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को आप अकेली यहाँ क्या कर रही थी? मैं किसी से मिलने के लिए घर छोड़कर भाग रही हूँ। ओह, लव स्टोरी है। अब वो इस वक्त गीता बस स्टॉप पे मेरा इंतजार कर रहा होगा। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता। श्रीराम ने तो यही जगह बताई थी। श्रीराम का तो पता नहीं, लेकिन बारिश आ गई। चलिए। कुछ नहीं। कोई बात नहीं, बता दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम आधी रात को उससे मिलने निकली हो, वो तुम्हें भगा कर कहीं ले जाएगा। हंस रहा हूँ क्योंकि प्यार व्यार समझ में नहीं आता। इसमें ना समझ आने वाली तो कोई बात नहीं है। प्यार इस बारिश की तरह है, हमें कभी भी किसी भी वक्त प्यार हो सकता है, जैसे ये बारिश भी कभी भी किसी भी वक्त हो जाती है। इतना ही सिंपल है। सुना था लोग प्यार में पागल होते हैं, आज देख भी लिया। अगर उसमें पागलपन ना हो तो वो प्यार ही कैसा। अगर प्यार में पागलपन ना हो तो हम ताजमहल को भी बिल्डिंग समझकर भूल जाएंगे, उसे प्यार के निशानी समझकर कभी याद नहीं रखेंगे। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? हाँ प्यार तो हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें ऐसा पागलपन था। तुम पहले मुझे अपनी कहानी सुनाओ, उसमें पागलपन था या नहीं ये बाद में मैं तय करूंगी। ये बस कुछ दिन पहले की बात है। तो मुझे यहाँ क्यों लाया है बेटा? आज पहली सैलरी मिली है माँ, तुम्हें कुछ लेकर देना चाहता हूँ। ये लीजिए पार्किंग का टिकट। अभी इसकी क्या जरूरत है? अब नहीं तो फिर कब माँ? आप बस अंदर चलिए। माँ के लिए कोई अच्छी सी साड़ी दिखाइए। ये साड़ी देखिए मैडम, आप इसमें अपने बेटे की तरह सॉलिड दिखे। मतलब ये आपको सूट करेगी मैडम। ये वाली नहीं, कुछ और दिखाओ। ये कैसी है मैडम? अच्छा ये देखिए, ये वाली बहुत अच्छी है। कितने की है ये? अरे वो सब आप छोड़िए ना, इसे पैक कीजिए। कितना हुआ? 9500। सर
सैलरी मिलते ही मेरा बेटा मुझे यहाँ ले आया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। भगवान सबको ऐसा बेटा दे। बस कहाँ छोड़ दिया? एक मिनट, अभी तो पार्किंग लेते हुए निकाला था। हेलो, आप मिस्टर विजय बोल रहे हैं? यस। आपका वॉलेट खो गया है? हाँ, आपको कहीं पर मिला क्या? अभी आप कहाँ पर हैं? साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर। आपका वॉलेट मेरे पास है, वहीं रुकिए, मैं आपसे वहीं आकर मिलती हूँ। ओके। इंस्पेक्टर विजय, आपका वॉलेट। थैंक यू। किसी को बताना मत। यही कि पुलिस वाले का वॉलेट एक लड़की ने ढूंढ कर दिया, सब हंसेंगे। ये कौन थी बेटा? पता नहीं माँ। कितनी सुंदर है ना? हाँ माँ। पता है ना तेरे शर्मा अंकल ने क्या किया था? क्या किया माँ? अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाने के बजाय किसी डॉक्टर से करवा दी। अगर तुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाए ना तो अब उन्हें अकल आएगी। तो फिर किसी और लड़की से क्यों माँ? इसी से शादी कर लेता हूँ ना। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप बिल देकर आइए, मैं उसे ढूंढता हूँ। हेलो। अभी इस नंबर से एक लड़की ने फोन किया था ना? मैं उस लड़की को नहीं जानता, उसका फोन बंद पड़ गया था तो मैंने अपना फोन उसे दे दिया। उसके बारे में कुछ पता चला? यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा सर, जाकर ढूंढना पड़ेगा। उसका नाम एड्रेस कुछ भी नहीं पता तो कहाँ ढूंढेंगे उसे? क्या? मेरा नाम और एड्रेस तो पता नहीं था आपको, फिर भी मुझे खोज के ढूंढ लिया ना। ओए, सड़क छाप चोर और लड़की में फर्क होता है? अरे क्या फर्क होता है, मैंने पैसे चोरी किए और उसने सर का दिल चुराया, सेम टू सेम। इस बेवकूफ के चक्कर में क्या पड़ना, कोर्ट का टाइम हो गया, चलिए सर। सर सिर में दर्द हो रहा है, गाड़ी रोक कर एक कड़क चाय पिला दो ना सर। आपने दोस्तों के साथ तू पिकनिक पर नहीं जा रहा है, हम पुलिस हैं। चुप बैठ। टेररिस्ट को बिरयानी खिला सकते हो, मुझ गरीब को एक चाय नहीं पिला सकते? बकवास बनकर। चाय तो है, पिला दे। बाबूलाल चाय देना तो। अभी दिया सर। मेरे लिए ग्रीन टी। शक्ल देख, नॉर्मल चाय कोई नहीं पिलाएगा, ग्रीन टी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है सर। लगता है अंदर माल छुपाया। वो कब बना सर? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे अरे कोई रोको इसे, ये चोर है। रुको, अरे कोई पकड़ो इसे, ये चोर। रुको, कहाँ भाग रहे हो? सर सर सर, मैं चोर नहीं हूँ सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था सर। तुम्हारी माँ? हाँ मैडम, माँ की कसम, ये लीजिए, गलती हो गई मैडम, सॉरी सर। माँ के लिए दवा ले लेना। मैडम क्या कर रही हैं आप, ये झूठ बोल रहा है। भले ही झूठ बोल रहा हो लेकिन माँ का नाम लिया है, छोड़ दो इसे। थैंक्स मैडम। नमस्ते सर। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, बाय। एक्सक्यूज मी, ये बात सबको बताइएगा जरूर कि पुलिस वाले गुम हुई चीजें ढूंढते भी हैं। ओके बाय। बाय। लड़की बहुत सेंसिटिव लगती है सर, जिसकी भी से शादी होगी ना सारी सैलरी चैरिटी में दे देगी। तूने कहा था ना बिना ढूंढे नहीं मिलेगी, ये तो बिना ढूंढे ही मिल गई। और तेरी ये पर्स वाली लड़की है सर, अरे तो उसके सामने शर्माने की जगह हमारे सामने क्यों शर्मा रहे हैं सर? वो गई कहाँ? सर सर, कौन हो भाई साहब तुम? फिरकी की तरह घूमते घूमते आ रहे हो? सर मेरा नाम कृष्णराव है, मेरी बेटी का नाम कावेरी है, उसने मुझे 10:45 पर फोन किया था और उसने मुझे गोपालराम बस स्टॉप से पिकअप करने के लिए कहा था। जब मैं 11 बजे वहां पहुंचा तो वो वहां नहीं थी सर, अब उसका फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है।
तुम लेट हो गए, उसका लवर पिकअप करके भाग गया होगा। वो ऐसी लड़की नहीं है सर। सही कहा, माँ बाप की नजर में औलाद हमेशा अच्छी होती है, फिर कारनामे सामने आते ही अकल ठिकाने आ जाती है। फोन जानबूझ के स्विच ऑफ किया ताकि तुम्हारा ध्यान भटका सके। ऐसी बात नहीं है सर। ये राजा, अगर अब हम उसे ढूंढने निकले भी ना तो वो अपने लवर के साथ भाग चुकी होगी, और मान लो उसको पकड़ भी लिया तो वो लोग बोलेंगे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम लोग हमको रोक नहीं सकते। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं राजा, जिस लड़के के साथ वो भाग गई है वही उसे घर पे ड्रॉप कर जाएगा। अब घर जाओ, दाल भात खा के सो जाओ। मेरा नाम कृष्णा राव, मेरी बेटी का नाम कावेरी। उसने मुझे 10:45 को फोन किया था और गोपाल राम बस स्टॉप से पिकअप करने को कहा था। जब मैं 11 बजे वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ पर नहीं थी। अब उसका फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है, मुझे डर है कि उसे कहीं कुछ हो ना गया। प्लीज तुरंत इसकी तहकीकात कीजिए, यही आपकी कंप्लेंट है ना? जी सर। आप इस पर साइन कीजिए, मैं एक्शन लूंगा। कौन सा एक्शन लेगा तू राजा, जाकर तेरी ड्यूटी कर। एक्शन लेना ही मेरी ड्यूटी है सर। एक्शन लेना वो मेरा काम है और किसी का नहीं। तो फिर आप कुछ एक्शन लीजिए। देख ज्यादा बकबक की तो सस्पेंड कर दूंगा। तो सस्पेंड कीजिए, लेकिन पहले जाकर उस लड़की को ढूंढिए फिर सस्पेंड कीजिए। सर अगर वो लड़की किसी के साथ भाग गई है तो हमारा बस 1 घंटा बर्बाद होगा, लेकिन अगर कहीं किसी ने उसे किडनैप किया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज कोऑपरेट सर। मुझे गोपाल राम बस स्टॉप की कैमरा फुटेज चाहिए जल्दी। 10:45 तक रिवाइंड करो। सर वो रही मेरी बेटी। सर 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 मेरी बेटी को बचा लीजिए सर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। रिवाइंड करो। कार नंबर पर जूम करना। ये TR नंबर है सर, इसकी डिटेल्स आपको सिर्फ शोरूम से ही मिलेगी, ऑनलाइन नहीं पता चलेगा। वहां पर किसी को ठीक से सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है? ये एरिया डॉकयार्ड के पास है ना, तो रात के 10 बजे के बाद सिग्नल जाम हो जाते हैं, इसीलिए किसी को सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये आदमी लगातार फोन पर लगा हुआ है, इसका मतलब इसके फोन में नेटवर्क आ रहा है। ये पक्का BSNL का नेटवर्क है सर। हेलो BSNL, दिस इज विजय सब इंस्पेक्टर। गोपाल राम बस स्टॉप पर एक आदमी लगातार 10:40 से 10:50 तक फोन पर बात कर रहा था, मुझे उसका नंबर चाहिए। Got it, sir. The number is 944-195-1315. Thank you, ma'am. सर ये तो सिल्वर बीच रोड तक पहुंच चुका है। किडनैपिंग हुए 35 मिनट हुए, गोपाल राम बस स्टॉप से बीच रोड तक पहुंचने में इतना वक्त कैसे लग गया? कल CM यहाँ आने वाले हैं सर, पूरे शहर में नाकाबंदी है, शायद उसी से बचने के लिए इन्होंने लंबा रूट लिया होगा। यस, इस नंबर को मेरे डिवाइस से कनेक्ट करो। ओके सर। इसे अंदर लेके आओ। hey, लाइट ऑन कर। इंस्पेक्टर विजय। करके रख दिया तूने तो तेरी तो
मेरी बच्ची का मेरी डैडी, हमने इसे जन्म दिया है सर, पर आपने इसे नई जिंदगी दी है। इट्स माय ड्यूटी सर, आप घर जाइए। थैंक यू सर। इस गैंग को आपने आधे घंटे में पकड़ लिया सर। इस हिमेश मेहता फ्रॉम गुजरात ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फोन में नंबर तो सेव करना आता है नहीं, टेक्नोलॉजी की बात करता है। इस ऑपरेशन को कितने ऑफिसर्स ने अंजाम दिया है सर? श्री कृष्णा स्वयं मैदान में उतर जाए तो पांडवों की क्या जरूरत, सोलो परफॉर्मेंस। ये बेवकूफ अपने आप को श्री कृष्णा समझ रहा है सर, काम आपने किया क्रेडिट वो ले गया, ये तो गलत बात है ना सर। मैं पुलिस ऑफिसर बना पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। आज के श्री कृष्ण मिस्टर हिमेश मेहता, चेजिंग किंग मिस्टर हिमेश मेहता। सर सभी न्यूज़पेपर में आजकल बस आपके ही चर्चे हो रहे हैं। पब्लिसिटी तो बराबर छे भाई, पर कलेक्शन वीक है उसका क्या? फिकर मत कीजिए सर, किस्मत का दरवाजा ये एक्सीडेंट खोलेगा। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ? I'm so sorry. कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। Thank you so much. It's okay. ए राजा, तेरी बुद्धि घास चरने गई है क्या? पीकर लड़की की स्कूटर को ठोक दिया तूने? नहीं नहीं, गलती हमारी थी। अच्छा तो तुझे शर्म नहीं आती? इस लड़की ने स्कूटी गाड़ी को ठोक दी और तू चुपचाप निकल रहा है डर को? अरे सर कोई नुकसान नहीं हुआ है, छोड़िए ना। इस बात का फैसला मैं करूंगा, पहले मेरे साथ स्टेशन चलो। स्टेशन क्यों सर? जब कुछ इसकी गाड़ी को ठोका है ना तुमने। इन्होंने कंप्लेंट की क्या? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 अगर आप बिना कंप्लेंट के कोई एक्शन लोगे तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213 अगर लेडी कांस्टेबल के बिना किसी लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर गए तो नौकरी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 168 इस तरह के एक्सीडेंट केसेस में और सेक्शन 108 के बारे में तो पता ही होगा। अरे 108 तो एम्बुलेंस का नंबर है ना, फिर ये सेक्शन में कब से बदल गया? बोलिए सर, किस सेक्शन के अंडर आप हमें स्टेशन ले जा रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था और तुम नन्ही सी मासूम लड़की मेरी बातों में आ गई। मैं तो बस ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहा था। आजकल शहर में बहुत नकली पुलिस घूम रही है ने, तो ऐसे में पब्लिक अलर्ट है और सब समझ रही है कि नहीं, मैं तो ये चेक कर रहा था और इस टेस्ट में तुम पास हो गई। बराबर चले? हाँ जी मैडम, और इसी खुशी में हमारे सीए साहब आपको इनाम के तौर पे 2000 रुपए देंगे। चूना लगा दिया इसने। थैंक यू। आज तक तो यही पता था कि पैसे लेते कैसे हैं, देते कैसे पता नहीं था। इस लड़की ने मुझसे पैसे निकलवाए, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर, आप मुझे मौका तो दीजिए, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। लव यू बकुड़ा। थैंक यू सर। बराबर सबक सिखाना, मैं तेरे साथ हूँ, इसको छोड़ना मत। पूरे देश को पता चले कि कैसे मैंने इसका बैंड बैंड बजाया। यस सर, ऑल द बेस्ट सर। इन सब सेक्शंस के बारे में तुझे कैसे पता? तूने भी यकीन कर लिया? हाँ। उसकी शक्ल देखते ही समझ गई थी कि वो पक्का गवार है, इसलिए नकली सेक्शंस बना दिए। तू पागल है सच में। Excuse me. Hi. Hello. Hi. Hi. आप यहाँ कैसे? वो लोग कहते हैं यहाँ कॉफी अच्छी मिलती है। Of course. आप बैठिए ना। Thank you. कौन सी कॉफी लेंगे आप? शायद लोगों ने ये नहीं बताया कि कौन सी कॉफी अच्छी है। जी वो यहाँ की कैपुचिनो विद एक्स्ट्रा कॉफी शॉट बहुत अच्छी है, ट्राई करेंगे? श्योर। ये वही चेन वाला लड़का है। Excuse me? Yeah, I'll just be
एक्सक्यूज मी, ये बिल किसने पे किया? उस दिन आपने मेरी हेल्प की थी ना, ये मेरी तरह से ट्रीट है। किसके ख्यालों में खोया है बेटा? उसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। शायद मुझे उससे प्यार हो गया है माँ। तो जाकर डायरेक्टली उसे आई लव यू क्यों नहीं कह देता? अरे माँ, आई लव यू। जा बेटा, ऑल द बेस्ट। आपकी कैपेचिनो विद एक्स्ट्रा कॉफी शॉट। वो कहाँ है? इसका मतलब उसने आपको बताया नहीं? उसकी शादी फिक्स हो गई है तो उसने जॉब छोड़ दिया। व्हाट? एनीवेज मुझे दूसरे कस्टमर्स भी अटेंड करने हैं। ओके बस। फिर आज सुबह ही मैं वहां से अकेला निकलकर बाहर आ गया और शाम को जब ड्यूटी से वापस आ रहा था तो मुझे आप दिख गए। बिल्कुल सही कहा था आपने। आपकी स्टोरी में पागलपन तो नहीं लेकिन दर्द जरूर है। I'm really sorry। नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है। मैंने हमारी दोस्ती को प्यार समझ लिया पर उसके लिए वो बस दोस्ती ही थी। वैसे प्यार करना बड़ी बात नहीं है, किसी का प्यार मिलना बड़ी बात है। मेरी किस्मत में ये नहीं था। अरे मेरी कहानी छोड़ो, श्रीराम को फोन करो ना, अब तो बारिश भी रुक गई है। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो इस वक्त संपर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। अब तो ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। अगर आपको परेशानी ना हो तो मेरा घर पास में ही है, फिलहाल मेरे साथ चलिए, उसका कॉल आ जाएगा। मुझे कोई परेशानी नहीं लेकिन आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। इसमें तकलीफ किस बात की? माँ कहती है मुसीबत में पड़ी लड़की की मदद करनी चाहिए, माँ के लिए तो चलिए। आप अकेले रहते हैं? नहीं, माँ के साथ रहता हूँ। फिलहाल वो आउट ऑफ टाउन है, कल आ जाएंगे। आपका अपना घर है? नहीं, किराए का घर है। ये मेरी माँ का कमरा है, आप यहाँ आराम कीजिए। लगता है आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। सिर्फ प्यार ही नहीं, मुझ में जान बसी होंगी। You're so lucky। बहुत देर हो चुकी है, आप आराम कीजिए। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल के बारे में सोच रहे हैं क्या? उसकी याद आ रही है ना? हाँ, प्यार में जो फेल होते हैं उनका मजाक ही उड़ाया जाता है। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? अचानक पता चले जिससे प्यार है उसकी शादी हो रही है तो दिल तो टूटेगा, पर क्या करें, पुलिस वाले का दिल है, संभाल लिया। वो छोड़ो, तुम्हारी श्रीराम से बात हुई? नहीं अब तक नहीं हुई, उसका फोन अब तक नॉट रीचेबल है। तो अब तुम क्या करोगी? श्रीराम के घर जाकर पता करती हूँ। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर लेना, बाय। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार सर। कहिए। मेरा नाम चंद्रशेखर है, बिल्डर हूँ। बीच रोड पर मेरी एक कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ के लोकल गुंडों ने उसे रुकवा दिया और अब 50 लाख की डिमांड कर रहे हैं। कौन है वो? पांडा। अपनी कंप्लेंट लिखिए, मैं एक्शन लूंगा। ठीक है सर। पांडा के खिलाफ कंप्लेंट। कोई भी कुछ भी कंप्लेंट करेगा तो तुम एक्शन लोगे?
मिस्टर चंद्रशेखर, कंप्लेंट लिखने के लिए खाली पेन पेपर काफी नहीं है, कोर्ट में जाकर गवाही देनी पड़ती है। उसके लिए जिगरा है क्या? मैं गवाही दूंगा सर। शू बात छे, यही देखना था। अब देखना कैसे फोड़ता हूँ पांडा का भांडा। पांडा, बीच रोड का जो काम है उसे बंद करवा कर बिल्डर को धमकी देकर 50 लाख रुपए मांग रहे हो। शरीफ लोगों को डरा धमका रहे हो। ये क्या है, क्या है ये सब? मम्मी, क्या तुम्हारी सुंदर बेटी सुबह मंदिर गई थी? जी हाँ सर। चंद्रशेखर जी की बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए सर। वो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, अपनी मम्मी पर गई होगी, तुझे उससे क्या? सर उससे कही मेरी बेटी को कुछ ना करे प्लीज। पांडा, ये बिल्डर बहुत समझदार है, सारी बात समझ गया है, लेकिन क्या है आजकल लोहे सीमेंट का भाव बहुत बढ़ गया है, इसके लिए ये 50 लाख नहीं दे सकता। 45 लाख में मांडवली करो, बात खत्म। पुलिस का थोड़ा मान रखो। ओके, थैंक यू। मैटर सुलझा दिए राजा। 40 लाख पांडा को देना और 5 लाख मुझे, केस। अच्छा हुआ मेरे पास आ गए। शाम तक पैसे यहाँ पहुँचा देना। मैं दे दूंगा सर। चंद्रशेखर जी, मैं एक्शन लेने के लिए तैयार। क्या आप कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार हैं? पैसा मेरी बेटी से ज्यादा मायने नहीं रखता है सर। पांडा, ए पांडा, तुमने जितने मांगे थे ले आए। चल डैडी, रुक जा। पांडा, तुमने जितने पैसे मांगे मैंने दे दिए, मेरी बेटी को छोड़ दो आप। डैडी, ये सब पुलिस स्टेशन जाने से पहले सोचना चाहिए था। डैडी, तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ो। अबे चल इधर। जुर्म करने वाले और जुर्म सहने वाले के बीच में हमेशा एक ही कवच होता है और वो है पुलिस। खाकी में खड़े इस शेर पर भरोसा कीजिए और अपनी कंप्लेंट लिखिए सर। क्या बात है? श्रीराम के घर पर ताला लगा हुआ था, आसपास के लोगों से पूछा पर उन्हें भी कुछ नहीं पता। तुम दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है क्या?
वेनु नाम का एक फ्रेंड है, वो पनोरामा हिल्स में रहता है। हाय। हाय। श्रीराम का फोन नहीं लग रहा, कुछ पता है वो कहाँ है? एक मिनट, उसने ये लेटर देने को बोला था। हाय बेबी, मैं तुम्हें अपने दिल की बात मुंह से नहीं कह सकता, इसीलिए लेटर लिख रहा हूँ। तुमसे शादी करके मुझे खुशी जरूर मिलती, लेकिन मैंने स्वाति से शादी करने का फैसला किया क्योंकि उसके परिवार ने मेरे आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया है, और तुम्हारी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। मेरा फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, माफ कर देना। क्या हुआ? मुझे नहीं पता सर, उसने सिर्फ ये लेटर दिया था। तू ऐसे नहीं बोलेगा, चल। इसे छोड़ दो विजय। तुम मुझे किसी बस स्टॉप या टैक्सी स्टैंड तक छोड़ सकते हो, पर तुम जाओगी कहाँ? इंसान चाहे जो भी गलती करे, फिर भी उसका परिवार हमेशा उसे अपनाने के लिए तैयार रहता है। शायद कल रात तुम्हारा घर से भागने का फैसला गलत था, वो धोखेबाज तुम्हारे लायक ही नहीं था। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो आज नहीं तो कल खुद हमारे पास चलकर आ ही जाता है। जानता हूं हमने अपना प्यार खोया है, लेकिन प्यार करना नहीं भूला। अरे माँ, वापस आ गई आप? तुम वही रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तू रुक, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, रुको, मैं आता हूँ। सिर में गहरी चोट आने की वजह से दिमाग के एक हिस्से में खून जम गया है। अगर हमने तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो पेशेंट कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ऑपरेशन के लिए आपके डिपार्टमेंट ने जो 5 लाख का इंश्योरेंस दिया उसके अलावा 50 लाख का खर्चा और होगा। 50 लाख रुपए? दिखने में तो अमीर लगते हो पर रिएक्शन मिडिल क्लास जैसा है, ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। पास में ही ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप इन्हें वहाँ ले जाइए। प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है। मेरा भी इस हॉस्पिटल के अलावा कोई नहीं है। देखिए डॉक्टर, मैं सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में लौटा दूंगा, आप ऑपरेशन मत रोकिए। EMI की स्कीम के लिए ये कोई बैंक नहीं है, हॉस्पिटल है, अपनी माँ को ले जाइए। डॉक्टर डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी करके वो पैसे लौटा दूंगा, प्लीज डॉक्टर प्लीज। कितनी बार कहूँ तुमसे? डॉक्टर, पैसे कब तक जमा करने होंगे? कल सुबह 10 बजे तक। 10 बजे तक हम पैसे दे देंगे, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। विजय, तुम परेशानी में हो, मैं भी परेशानी में हूँ, और हम दोनों की परेशानियों का बस एक ही हल है, लेकिन तुम्हें एक रिस्क लेना होगा। मैं माँ के लिए कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हूँ, बोलो क्या करना है? मुझे किडनैप करना होगा। किडनैप? मेरे मामा जी को फोन करो और उनसे कहो तुमने मुझे किडनैप किया है, और उनसे 50 लाख की डिमांड करो, और अगर पुलिस को खबर की तो मुझे मारने की धमकी दे दो। मेरे मामा जी तुम्हारी बताई हुई जगह पर आकर 50 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन क्या उनके पास इतने पैसे होंगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र वर्मा की भांजी हूँ। वो अपनी आधी जायदाद ऑलरेडी मेरे नाम कर चुके हैं। मैं बस 5 साल की थी जब मेरे माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मामा जी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और वो मुझसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
भगवान, दो राउंड पास हो गए हैं, एचआर राउंड और पास करवा दो, पहली सैलरी आपकी दान पेटी में डाल दूंगा। क्या बॉस, फोन छोड़कर इंटरव्यू पर ध्यान दो। इस कंपनी की डिटेल चेक कर रहा हूँ। इस कंपनी की डिटेल्स, उसमें चेक क्या करना है भाई? बेस्ट केवल इनकम की वजह से नहीं होती, कस्टमर्स भी बढ़ने चाहिए। इस कंपनी का मुनाफा तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन ग्राहक कम होते जा रहे हैं। अगर मुझे ये जॉब मिला तो मैं इसी इश्यू पर ध्यान दूंगा। एक्सक्यूज मी, लगता है बहुत ज्यादा टेंशन में हो। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो इंटरव्यू में पास हो गए तो मिल जाएगा, ये कॉर्पोरेट जॉब है। प्रोजेक्ट्स और टारगेट्स के रूप में यहाँ हर रोज एक नया इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लेने वाले को हमें ये एहसास दिलाना होगा कि हमसे बेटर कोई नहीं है, सो बी कॉन्फिडेंट। गाइस, इंटरव्यू इज ओवर। क्या कह रहे हैं, इंटरव्यू खत्म? कब और किसने ली? यही और इसी वक्त, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विक्रमादित्य। And the selected candidates are Bharat and Mansa. आपने हम में से सिर्फ इन दोनों को ही सेलेक्ट क्यों किया? मुझे ये बात अच्छी लगी कि तुमने दूसरे कैंडिडेट से डरे बिना उनकी मदद की। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया। Thank you, sir. इसने ये नहीं सोचा कि कंपनी इसे क्या देगी, बल्कि इसने ये सोचा कि ये कंपनी को क्या दे सकता है। तुम्हारा इंटेंशन अच्छा लगा। Thank you, sir. Got it? मामा जी ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी, लेकिन मैं तो श्रीराम से प्यार करती थी ना, इसीलिए मैं अपने घर से भाग आई। जब आधी कंपनी तुम्हारे नाम पर है तो श्रीराम ने किसी और से शादी क्यों की? उसका और मेरा रिश्ता मेरे मामा जी को हरगिज मंजूर नहीं था। कहां मैं और कहां वो। मैं उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार थी, और शायद इसीलिए उसने मुझे ही छोड़ दिया। ये करने से मेरी परेशानी तो हल हो जाएगी, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मैं कल ही घर से भागी थी ना, अगर वापस चली गई तो वो जरूर समझ जाएंगे कि मैंने उसी के साथ भागने की कोशिश की होगी, लेकिन बात नहीं बनी और मैं हमेशा के लिए सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। लेकिन उन्हें ये पता चला कि मैं किडनैप हो गई हूँ तो उन्हें सच्चाई की भनक तक नहीं लगेगी। अब सिर्फ तुम्हारे फैसले पर तुम्हारी माँ की जिंदगी और मेरी इज्जत दोनों टिकी हुई है। तो मुझे क्या करना होगा? तुम ठीक तो हो? फिलहाल तो वो ठीक है। ए, तुम कौन हो? मेरा नाम जानकर क्या करेगा? तेरी भांजी को मैंने किडनैप किया है। किडनैप किया? तू चाहता है वो सही सलामत घर पहुंचे तो कल सुबह तक 50 लाख तैयार रख। पैसे कब और कहां पहुंचाने ये बताने के लिए मैं फोन करूंगा। तूने चालाकी की या पुलिस को खबर की तो उसे मैं मार दूंगा। प्लीज वेट वेट, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डैड, सुदर्शन, वो मैंने सब सुन लिया सर, कोई भी आपकी जगह होता तो यही करता। थैंक यू वेरी मच। सुदर्शन, मुझे एक नई कार, नया सिम और एक मोबाइल अरेंज करके दो। श्योर सर। आप सब कौन हैं? I'm शरद चंद्र, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सर। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी भांजी को किडनैप किया गया, ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली है सर। आपसे किसने कहा मेरी भांजी किडनैप हुई है? आपको किसी ने गलत खबर दी है सर। आप उन्हें 2 मिनट के लिए यहाँ बुला लीजिए, हम चले जाएंगे। पढ़ाई के लिए वो हॉस्टल में रहती है। आप हमारी फोन पर बात करवा दीजिए, कन्फर्म हो जाएगा। आप मेरी बात सुनिए। डैड, मैंने इन्हें बताया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? डैड, संयुक्ता के लिए 50 लाख तो क्या, हम 50 करोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन जिसने उसे किडनैप किया है उसका पता लगाना जरूरी है। अगर हमने पुलिस को बताया तो वो संयुक्ता को मार देगा। मेरे बताने से पहले क्या आपको पता था कि मैं पुलिस वाला हूं? अगर वो प्लान बना सकता है तो हम भी प्लान बना सकते हैं। इस ब्रीफकेस के अंदर GPS सिस्टम लगा हुआ है, कैश इसी के अंदर ले जाइएगा, और उसके बारे में पता लगाने के लिए हम आप सभी के नंबर टैप करेंगे। कैश रेडी है ना? हाँ हाँ, कैश रेडी है। बताओ कहाँ पहुँचना है? मेरा बेटा लेकर आएगा। काली पैंट सफेद शर्ट पहना कर 9 बजे सेंट्रल मॉल भेजो।
कार कहाँ है? पीछे की तरफ खड़ी है सर। टेक केयर सर। गाइस, सेंट्रल मॉल। मलेशियन शॉपिंग मॉल पर आओ। ओके, मलेशियन शॉपिंग मॉल। सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर वॉशरूम में आ जाओ। वॉश बेसिन के नीचे एक ब्राउन बैग पड़ा है। ब्रीफकेस से कैश निकालकर उस बैग में डाल दो और ब्रीफकेस को वहीं फेंक दो। फिर बैग लेकर सीधा चौथे फ्लोर पर आ जाओ। जीपीएस वाला ब्रीफकेस मिसिंग है सर। बोलो। तुम्हारे पीछे बेबी लैंड शॉप है, उसके अंदर जाओ। के अंदर एक ब्लैक कलर की टोपी, उसे उठा। अपने फोन को स्विच ऑफ करके वहां पर रख दो और वहां जो फोन है उसे उठा लो। गाइस, कुछ तो गड़बड़ है, बी अलर्ट। उस टोपी को पहनकर लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ जा। लिफ्ट से बाहर निकलते ही एग्जिट नंबर 2 के सामने तुम्हें एक बिना नंबर प्लेट की सफेद गाड़ी दिखेगी। उसकी डिक्की में पैसों वाला बैग रख देना। मेरी कजन कहां है? पहले जो कह रहा हूं वो करो। गाइस, आदित्य लिफ्ट से नीचे जा रहा है। थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। आदित्य ने ब्लैक कैप पहनी, उसका पीछा करो केयरफुली। यस सर। जैसे कपड़ों में इतने सारे लोग कहां से आ गए? मतलब ये उसी की कोई चाल है। वो अकेला हम सबको फंसा रहा है।
डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेसफुल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। तुम नहीं होती तो आज मैं। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुमने सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी इतना बड़ा कदम उठाया। सर, किडनैपर संयुक्ता के नंबर से बार बार फोन कर रहा था, हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। ओके सर। सर, हर बार उसने कॉल एक मिनट के अंदर ही काट दिया, इसलिए हम उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए हैं सर। सर, सीसीटीवी फुटेज में भी मॉल से कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। जिन लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस पहने हुए थे वो सब मारुति जैन पैक के सेल्समैन थे। हर हफ्ते उनकी मीटिंग सेम टाइम पर होती है, किडनैपर्स ने उसका फायदा उठाया। ऑफिसर्स, सर, फौरन पता लगाओ कि शहर में कहां-कहां 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, उससे सुराग मिलेगा। जल्दी जाओ, मूव। यस सर। उसका पैसा लिए हुए 2 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक लड़की का कोई अता पता नहीं, आखिर उसे कब और कहां छोड़ेगा। हेलो, उसे सिल्वर बीच रोड पर गीता बस स्टॉप पर छोड़ दिया है। बच्ची सेफ है। शुक्रिया। तुमने आज जो मेरे लिए किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं भुला सकता, ना ही तुम्हें बाय कहकर मैं जिम्मेदारी को भुलाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्द ही सारे पैसे लौटा दूंगा। कुछ लोग जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है ना, वो विश्वास तोड़कर चले जाते हैं। तुमने तो अनजान होकर भी बस 2 दिनों में मेरे लिए कितना कुछ किया। तुम्हारी माँ से मिलने मैं जल्दी आऊंगी, वादा करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। मामा जी आते ही होंगे, तुम्हें जाना चाहिए। सिस्टर, माँ की साड़ियाँ। माँ, तू डर गया था, तुझे क्या लगा था मैं तुझे छोड़कर इतनी जल्दी चली जाऊंगी? तुझे अकेला छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी रे पगले? अभी तो तेरी शादी करवानी है।
order, please? One cappuccino with extra coffee shot. शहर में किडनैपिंग की एक और घटना। जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र वर्मा की भांजी किडनैप हो गई है। हमें मिली जानकारी के अनुसार किडनैपर्स ने उनसे 50 लाख रुपयों की मांग की है। किडनैपर्स की 50 लाख की मांग पूरी करने के बावजूद उन्होंने अब तक उनकी भांजी को नहीं छोड़ा है। अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक कल सुबह ही उस किडनैपर ने वो पैसे किसी अस्पताल में जमा करवाए थे। ये है किडनैप की गई महेंद्र वर्मा की भांजी संयुक्ता वर्मा की तस्वीर। हाइट 5'11", रंग गोरा। सूत्रों से ये भी पता चला है कि वो शायद किसी कॉफी शॉप में काम किया करती थी। अगर संयुक्ता महेंद्र वर्मा की भांजी है तो वो लड़की कौन थी? हॉस्पिटल से मिली कैमरा फुटेज से अभी अभी ये पता चला है कि इस किडनैपिंग के पीछे इस पुलिस वाले का हाथ है। इसका नाम विजय है और ये थ्री टाउन पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है। पूरे डिपार्टमेंट में हलचल सी मच गई है क्योंकि किडनैपर एक पुलिस ऑफिसर है। कौन है तू? देख, मैं नहीं जानता तू कौन है, पर मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तू मुझसे नहीं बच सकता। अबे हीरो, मुझे पकड़ने की बात तो तू बाद में सोचना, पहले अपने आप को बचा कर भागने की सोच। शेर सिर्फ शिकार करना जानता है, डर कर भागना नहीं। संयुक्ता सेफ रहेगी तो तू भी सेफ रहेगा। अगर उसे कुछ भी हुआ तो जिंदगी का पहला एनकाउंटर तेरा ही करूंगा। गुड लक। सेम टू यू। अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये केस और भी विवादित हो गया है क्योंकि इस केस में पुलिस वाले का हाथ है। सर, किडनैपर एक पुलिस मैन, क्या ये सच है? हमसे पहले तो आपको पता चल गया। अगर पुलिस वाले ही ये सब करेंगे तो जनता सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? किडनैपर पुलिस वाला है और उसे पकड़ने वाली भी पुलिस ही होगी, रिपोर्टर नहीं। हमारी मदद कर सकते हैं तो कीजिए, बिना वजह पब्लिक में डर और अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। जब उसने आधे घंटे में किडनैपर को पकड़ लिया तो मुझे लगा लड़का टैलेंटेड है, एक्सपीरियंसड है, ये पता नहीं था यार। सर, ये किडनैपर को कितने साल की सजा मिलती है? 6 साल तो कम से कम। और जिसने पूरी प्लानिंग की उसकी? कम से कम 12 साल। अच्छा, 12 साल मतलब। कांग्रेचुलेशन सर, आपका रिटायरमेंट फंक्शन जेल में ही होगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? भूल गए कि आपने उस दिन क्या कहा था उससे? मैं तेरे साथ हूँ, इसको छोड़ना मत। पूरे देश को पता चले कि कैसे मैंने इसका बैंड बजाया। यस सर। मुझे लगा उससे माफी मंगवा के मेरे 2000 वापस ले आएगा। मैंने उसे किडनैप करने थोड़ी कहा था। थ्री टाउन CI हिमेश मेहता फ्रॉम गुजरात सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। किडनैपर के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आप मुझसे नहीं, इनसे पूछिए सर। ये और वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। ओ, बहुत करीब थे? वो हम एक ही डिपार्टमेंट में मिलकर काम करते थे, बस इतने ही करीब थे। तो किडनैपिंग के बारे में आपको तो पता हो गया। कहा था ना आपका रिटायरमेंट फंक्शन जेल में ही होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। हमने उस 50 लाख रुपए के जरिए उसे पकड़ा। 50 लाख रुपया सर? 50 लाख रुपयों के लिए ही तो उसने किडनैपिंग की थी ना। 50 लाख? मुझे फंसा कर खुद 50 लाख चाट गया, मेरे 2000 भी वापस नहीं किए। दिल से कह रहा हूँ सर, आपकी बहुत याद आएगी। अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर भाई, तू इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। हेलो, क्या सोच रहे हैं? न्यूज़ देखिए सर, इतनी अमीर लड़की आखिर कॉफी शॉप में काम क्यों कर रही थी? व्हाट? कॉफी शॉप में काम क्यों कर रही थी? इसमें नया सिम कार्ड है सर, जरूरत पड़ने पर आपको फोन करूंगा। हॉस्पिटल में 50 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, स्पेशल ऑफिसर ने आपको उसके जरिए पकड़ा है, डिपार्टमेंट से आपको सस्पेंड कर दिया गया है, अरेस्ट वारंट भी निकाला है आपके खिलाफ। जिस डिपार्टमेंट को आप इतना प्यार करते हो वो आज आपको ही दोषी समझ रहा है सर। ये सब हो क्या रहा है?
ये साजिश है। जब दुश्मन में सामने से वार करने की हिम्मत ना हो तो वह यह हथियार अपनाता है। लेकिन आपका दुश्मन कौन हो सकता है सर? ईमानदार इंसान की परछाई भी उसकी दुश्मन होती है। दुश्मन किसी भी रूप में आपकी जिंदगी में आ सकता है। मेरी जिंदगी में वो उस लड़की के रूप में आया। थैंक यू सो मच। उस लड़की ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं, पर उस लड़की के जरिए किसी ने मुझे इस जाल में फंसाया है। मेरा उसे बचाना सच था, पर उसका श्रीराम के लिए वहां आना झूठ था। मैंने उसे गुंडों से बचाया ये सच है, लेकिन ये बात कि वो महेंद्र वर्मा की भांजी है बिल्कुल झूठ। किडनैपिंग का प्लान मेरा था ये सच है, लेकिन संयुक्ता को मैंने किडनैप किया ये झूठ है। अब संयुक्ता का किडनैपर मुझे इसमें फंसा रहा है। ये किसी की बहुत सोची समझी साजिश है। लेकिन इस सारे प्लान के पीछे आखिर कौन हो सकता है सर? ये पता लगाने के लिए सबसे पहले उस लड़की को ढूंढना होगा। मेरा एक काम करो, प्राइवेट नंबर से मुझे एक कॉल आया था, उसका पता लगा। नंबर का पता तो मैं अपने कंट्रोल रूम से निकाल लूंगा, लेकिन उस लड़की को हम कहां ढूंढेंगे? तुझे पता है ये कौन है? ये वाइजैक का डॉन ज्योति है। वाइजैक का ज्योति, उसे पकड़ते ही पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन थी। उस लड़की को मुझसे मिलाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया, मतलब ज्योति के आदमी उस ड्रामा का एक हिस्सा थे। क्या सर, आप चुप क्यों हैं? मेरी संयुक्ता के बिना मैं मर जाऊंगा। काफी बातें सामने आई है जिनका जवाब हमें चाहिए, तभी पुलिस डिपार्टमेंट कुछ कर पाएगा। आपकी भांजी और इस कंपनी की एमडी संयुक्ता कॉफी शॉप पर काम क्यों कर रही थी? बेटी संयुक्ता, तुम्हारा कोर्स खत्म हो चुका है, मैं कंपनी तुम दोनों को सौंप चुका हूँ। तो क्या सोचा है, कब ज्वाइन करोगी? कंपनी ज्वाइन करने से पहले मैं नीचे के लेवल से काम करना शुरू करना चाहती हूँ। नीचे के लेवल पर मतलब? मतलब शुरू में मुझे सबसे छोटे लेवल पर काम करना है। तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है बेटा? जरूरत के लिए नहीं मामी, अनुभव के लिए। मेहनत की कद्र जानना चाहती हूँ मैं। That's correct. ये क्या बोल रही है, तू तो कुछ बोले से। माँ, हम विरासत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये शख्सियत के बारे में सोच रही है। संयुक्ता, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मतलब संयुक्ता कौन है और कितने बड़े घर से आती है, ये बात सिर्फ आप लोग जानते हैं। लेकिन किडनैपर को भी इस बात का पता लग गया और उसने सीधे आपको फोन किया। बीच में कोई कड़ी छूट रही है, कहीं और कोई खिचड़ी पक रही है, जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते। ढोल किसने बंद करवाया बे? बिल्कुल सही टाइम पर आया तू। भाई तेरा इंतजार कर रहे थे, है ना? मैंने ऐसा कब बोला? आप इससे क्यों डर रहे हो भाई? ये आज आपके एरिया में है। इसका घूसा नहीं खाया ना तूने अब तक बेटा? इस बार ये हमारा घूसा खाएगा भाई, ये हमारा इलाका है। नजर घुमा के देख, हमारा एक एक आदमी तैयार है। बोलो तो भाई, इसे अभी यही ठोक दे। इसे मारने के लिए हमारे आदमी तड़प रहे होंगे, लेकिन इसने तो हमारे एरिया में हमारी बजा दी। मेरी पहली शादी है सर, प्लीज मेरे को छोड़ दो सर। और कितनी शादियां करनी है? उस दिन जिस लड़की के पीछे भाग रहे थे वो कौन थी? वो लड़की हो गया तेरा सर। उसने बोला था कि हमें 50,000 देगी अगर हम उसको पकड़ने का नाटक करेंगे। क्या 50,000? हो, लेकिन तुमने तो हमें सिर्फ 25,000 कहा था। क्यों धूप में चटका दिलवा रहा है? ये डिस्कशन बाद में करेंगे ना। सर, पैसों के लिए मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन आपके मार के बारे में पता होता तो मैं यह काम नहीं करता। तुम कहाँ मिले थे उससे? पनोरमा हिल्स फ्लैट नंबर 303 में उसने बुलाया था सर। तुम दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है क्या? वेनु नाम का एक फ्रेंड है, वो पनोरमा हिल्स में रहता है। सर, ये लो वेज बिरयानी। अरे, एसी रूम में बैठकर मजे से खाता था, उसकी वजह से रोड पर खाना पड़ रहा है। ओ तारी सर, हम सब एकदम सावधान है सर, जैसे ही उसको देखेंगे तुरंत पकड़ लेंगे सर। हाँ सर। अरे
उस गधेड़े की वजह से मुझे सब लोग विजय जैसे ही दिखने लगे हैं। सर, ये तो मुझे भी विजय लग रहा है सर। अब यार टाइम पास बंद कर और जल्दी से उसे पकड़। जल्दी चला, और जल्दी, और जल्दी। सर, ये तो वही है सर। स्पेशल ऑफिसर को फोन करूं क्या? नहीं, शिकार मैंने किया है तो उसे खाऊंगा भी मैं ही। हेलो एनटीवी, तुम्हारे लिए सेंसेशनल ब्रेकिंग न्यूज। किडनैपर विजय को अरेस्ट कर लिया है सीआई हिमेश मेहता फ्रॉम गुजरात ने। जल्दी सारे न्यूज चैनल को इधर बुलाओ। लेकिन पहले उसे पकड़ तो लो। आज तक जितना ढोकला फाफड़ा खाया उसकी कसम, आज इसे जलेबी बनाकर खाऊंगा। श्रीराम का दोस्त वेणु यहाँ रहता है? श्रीराम और वेणु, इस नाम का तो यहाँ पर कोई नहीं रहता है। एक दिन पहले मैं उससे यहाँ मिला था। ये हो ही नहीं सकता, एक हफ्ते से हम लोग बाहर थे, आज ही सुबह हम आए। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हैंड्स अप। हैंड्स अप बोला तो हाथ ऊपर करने का बकुड़ा इतना भी नहीं मालूम? सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने किडनैपिंग नहीं की। अगर तुझे छोड़ दिया तो तुझे चालाकी से भागने की पब्लिसिटी मिल जाएगी, और अगर पकड़ के रखा तो पकड़ने की पब्लिसिटी मुझे मिलेगी। प्लीज सर, मेरा यकीन मानिए। तेरी कोई कहानी नहीं चलेगी बकुड़ा। प्लीज सर, मेरे बात तो सुनिए। मैंने कुछ मुझे नहीं कुछ किया। नहीं सुनना सर, एक मिनट सर। देखो सर, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अपने हथियार फेंक दो। अरे तुम लोगों को कोई गेम शो का क्वेश्चन पूछा है जो इतना सोच रहे हो? ऑर्डर दिया है तो हथियार फेंको। सर लॉक ओपन कीजिए। सर सर, मैं आपकी गन में बुलेट डालना तो भूल गया सर। मम्मी, जिंदगी में पहली बार तूने कोई ढंग का काम किया है। अभी सुन ले बकुड़ा, भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। भगवान की जरूरत नहीं है सर, आप खुद ही लॉक ओपन करेंगे। मैं? पर कैसे? ऐसे। अरे अरे बकुड़ा, अरे मरी क्यों मम्मी? मम्मी, अरे अरे रुक जा, तैयार है ना? थोड़ी देर मने। अरे पागल हो गया क्या? अरे अरे थोबी जा राजा। अरे अरे थोबी जा बकुड़ा। आज तो मांड मांड जान बची है। अरे हटो हटो, जल्दी हटो, सामने से हटो। आपने कहा कोई सेंसेशनल न्यूज है? विजय को पकड़ते हुए सीआई हिमेश मेहता बुरी तरह घायल, उन्हें सांत्वना देने पहुंचे कमिश्नर। हैं? बहादुरी पर शाबाशी दी सीएम ने। पर आप तो सही सलामत हैं सर। देखो कितनी जोर से लगी है। है। ब्रेकिंग न्यूज, किडनैपर को भगाने में मदद की सीआई हिमेश मेहता ने। ये किडनैपर के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। आगे की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए बने रहिए आपके फेवरेट चैनल एनटीवी पर, इसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। मम्मी। नमस्ते सर। हेलो सर, जिस प्राइवेट नंबर से आज सुबह आपको फोन आया था वो अजय भूपति है, जिसे आपने फार्म हाउस पर पकड़ा था। वो दो दिन पहले ही बेल पर छूटा है सर। फिलहाल उस नंबर की लोकेशन संगरे गोल्फ कोर्स बता रही है। जेल में होने की बजाय तो यहाँ पुलिस ने अभी तक पकड़ा नहीं। हाँ, मैं उनमें से नहीं जो पकड़े जाने के डर से भागते हैं। पुलिस वाला हूँ जिससे क्रिमिनल्स भागते हैं।
को उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। बोल, ये सब तूने किसके कहने पर किया? बोल, बताओ संयुक्ता को कहाँ रखा है? किडनैप तूने किया और मुझसे पूछता है? मैंने किडनैप किया है? न्यूज पर आते ही तूने मुझे फोन किया था ना? हाँ, मैं कॉफी शॉप में तुझसे बदला लेने आया था और तभी मैंने ब्रेकिंग न्यूज देखी। फिर मैंने सोचा कि तुझे तो पुलिस मार डालेगी, तो फिर मैं क्यों मारूं? मेरा इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। सिल्वर बीच रोड के किनारे एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये वही रोड है जिसके गीता बस स्टॉप पर किडनैपर ने संयुक्ता वर्मा को छोड़ने का वादा किया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये शव संयुक्ता वर्मा का ही है या नहीं। सर, क्या पोजीशन है? बॉडी कुछ देर पहले ही निकाली गई है सर, आइडेंटिफिकेशन अभी बाकी है। ऑफिसर, ये बॉडी मेरी संयुक्ता की नहीं हो सकती। आप हौसला रखिए और बॉडी को आइडेंटिफाई कीजिए। ये संयुक्ता नहीं है। कुछ लोग जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है वो विश्वास तोड़कर चले जाते हैं। तुमने तो अनजान होकर बस दो दिनों में मेरे लिए कितना कुछ किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी क्या गलती है। किडनैपर ने जितने पैसे मांगे थे हमने उसे दिए, फिर भी उसने संयुक्ता को नहीं छोड़ा। हमें हमारी संयुक्ता सही सलामत वापस चाहिए। उसकी कोई भी खबर देने वाले को हम 10 करोड़ रुपए देंगे। और विजय, यह ऑफर तुम्हारे लिए भी है और तुम पर कोई केस भी नहीं होगा। इट्स माई प्रॉमिस। इस लड़की की पूरी डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके सर। Red cap guy. I just saw him right now. Huh? Hey, रुको। मैं तुमसे कह रहा हूँ, विजय। रुक जाओ विजय। विजय। Stop. विजय रुक जाओ। Stop. उस तरफ से। विजय स्टॉप। Thank you.
ये सब क्या हो रहा है विजय? ये पुलिस का चक्कर, किडनैपिंग, संयुक्ता तो तुमसे प्यार करती थी, फिर तुमने उसे किडनैप क्यों किया? संयुक्ता मुझसे प्यार करती है? पर तुमने कहा उसकी शादी तय हो गई है इसलिए वो चली गई। तुम संयुक्ता से प्यार करते हो ये साबित करने के लिए मैंने झूठ बोला था। तुमने झूठ बोला? मैं तो खुद नहीं जानती थी कि वो कौन है, हम तो बस साथ में रहते थे और उस दिन। मैडम, मैडम रुकना जरा, एक मिनट। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? मैं आपके बारे में ही सोच रहा था और आप सामने आ गई। मेरे बारे में क्यों? आज रक्षाबंधन है, ये राखी बांध दीजिए। तुम्हारी माँ आप कैसी हैं? सॉरी मैडम, मैंने उस दिन झूठ बोला था। पर उस झूठ ने मुझे आज एक अच्छा इंसान बना दिया। आपने जो मुझे पैसे दिए थे उससे मैंने खूब दारू पी मैडम, तभी मुझे विजय सर मिले और उन्होंने मुझसे ये कहा कि कभी भी अपनी माँ का नाम लेकर झूठ मत बोलना और ये दुकान खुलवा दी। माँ जरा यहाँ आना। माँ मैंने आपसे कहा था ना, ये वही मैडम है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सिर्फ आपकी और एसआई साहब की वजह से मेरा बेटा आज ईमानदारी की जिंदगी जी पा रहा है। थैंक यू, तुम्हारा हेलमेट शॉप वाला आइडिया अच्छा था। थैंक यू। पहले कभी नहीं खाया क्या? इसे ऐसे आराम से पकड़ो और अपना मुंह खोलो। जब मैं बचपन में खाना नहीं खाती थी ना, तो पापा भी मुझे ऐसे ही खिलाते थे। उस वक्त लगता था कि मैं कोई राजकुमारी हूँ। कॉन्ग्रेट्स। किस लिए? आज फिर से राजकुमारी जैसा महसूस हुआ होगा। लीजिए माँ जी। थैंक्स। हाँ कॉफी तो बहुत अच्छी है, तुमने बनाई है बेटा? यहाँ कॉफी इंसान नहीं बनाते माँ जी, मशीन में बनती है। पता है मुझे। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? संयुक्ता, संयुक्ता सक्सेना। संयुक्ता बहुत अच्छा नाम है, लेकिन सरनेम अच्छा नहीं है, उसे बदल। माँ जी सरनेम भला कैसे बदल सकते हैं? मेरे बेटे से शादी करेगी तो सरनेम बदल जाएगा ना। अब विजय के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अच्छा फ्रेंड है। मुझे तो उससे कुछ ज्यादा ही लग रहा है। उसने तो उस चोर तक को बदल दिया ताकि तुम्हारी की हुई मदद बेकार ना हो। तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए किया करते थे। यहाँ तक कि अपनी माँ को कॉफी शॉप तक ले आया ताकि वो तुमसे मिल सके। कोई अगर तुम्हारा केयर करे तो इसे अटैचमेंट कहते हैं, पर इस तरह पागलों की तरह पीछा करे तो इसे प्यार कहते हैं। तुझे भी अगर वो पसंद है तो किस चीज का इंतजार कर रही है? तुम विजय को गलत समझ रही हो, उसने कभी भी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, अब तक मुझसे मेरा फोन नंबर तक नहीं मांगा। ठीक है, विजय तुझसे प्यार करता है या सिर्फ फ्रेंड है ये बात मैं कल साबित कर दूंगी। हर दिन की तरह उसके आने का टाइम हो गया है, तो बिल्कुल भी उसके सामने मत आना। ओके ओके लिसन, वो आ गया है तुझे। ओके ओह हाय, वो कहाँ है? उसकी शादी फिक्स हो गई तो जॉब छोड़कर चली गई। व्हाट? जब किसी फ्रेंड की शादी फिक्स होती है तो उसके सारे दोस्त खुश होते हैं, दुखी वही होता है जो प्यार करता है। अब ये बात तुझे सोचनी है, विजय तेरा फ्रेंड है या फिर प्यार? रात को जब मैं हॉस्टल पहुंची तो संयुक्ता रूम में नहीं थी, फिर मैंने उसे कॉल किया। वैष्णवी कल मामी का बर्थडे है ना, तो मैं गिफ्ट खरीदने सीएमआर सेंट्रल मॉल आ गई हूँ। ओह मुझे 3-4 दिन के लिए घर वापस जाना है, मैंने सोचा तू मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देगी। मुझे आधा घंटा लगेगा। नहीं नहीं चलेगा, मेरी बस छूट जाएगी। हैप्पी जर्नी। मेरी उससे आखिरी बार तभी बात हुई थी, आने के बाद ट्राई किया पर उससे बात ही नहीं हो पाई, हर न्यूज चैनल में बस उसी की खबर थी। उसने सबको अपना नाम संयुक्ता वर्मा के बजाय संयुक्ता सक्सेना बताया। अच्छा, संयुक्ता गिफ्ट लेने के लिए कौन से मॉल में गई थी? सीएमआर सेंट्रल।
सर, कंट्रोल रूम ऊपर है सर, चलो। सर ये लास्ट फ्राइडे की फुटेज है सर। वो तीसरा कैमरा जरा फ्रीज करना। इस लड़की को फॉलो करना। कार के नंबर पर जूम करो, थोड़ा और जूम करना। मुझे इस कार ओनर के सारे डिटेल्स जल्दी से मैसेज कर दो। ओके सर। किडनैपर विजय की माँ से पुलिस ने हॉस्पिटल में पूछताछ की। आईसीयू में जो पेशेंट है अभी उसकी हालत कैसी है सर? देखिए पेशेंट का ऑपरेशन कल ही हो चुका है और अब वो पहले से काफी बेहतर है, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके बेटे का इसमें कोई हाथ है? मेरा बेटा किडनैपर नहीं है, पुलिस ऑफिसर है। बेटा मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब ठीक हूँ। तू जहाँ कहीं भी है मुझे जरूर देख रहा होगा। जब भी किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है तूने हमेशा एक्शन लिया है, पर आज इल्जाम तुझ पर लगा है। तुझे कुछ भी करके अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा। तुझे मेरी परवरिश की कसम, और मुझे पूरा यकीन है कि तू ये सब कर लेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ओनर के डिटेल्स मिल गए। अरविंद विला, प्लॉट नंबर 181, ऋषिकोंडा। लेट्स गो। ये लीजिए सर, हेलमेट का रेट कुछ कम लगाओ ना, बहुत ज्यादा बोल दिया। सही बोला है सर, मॉडल अच्छा भी नहीं है। ये लीजिए लाइसेंस, ये रहा पीयूसी। क्या तुम्हें भी लगता है कि उस लड़की का अपहरण एसआई साहब ने किया होगा? अरे माँ, उन्होंने मुझसे चोर को एक इंसान बना दिया, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये जो फोटो में ऐसे कहीं देखा है? नहीं देखा सर। ध्यान से देखो। सही में नहीं देखा सर। पुलिस है, गाड़ी को मारो। रिचर्ड वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। देखिए वो कितना पर बाइक लेके भाग रहा है। कांस्टेबल कम ऑन। स्टोर रूम है। फोटो यार, क्या तुम इसे जानते हो? कल रात इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने ही एम्बुलेंस बुलाकर इसे हॉस्पिटल भेजा था।
फिर इसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा था। जब मैंने वापस कॉल करने की कोशिश की तो नहीं कर पाया क्योंकि इसका फोन लॉक था। कहीं इसके घर वाले इसे वापस फोन ना करे इसीलिए इसका फोन मैंने अपने पास रख लिया। ये फोन नंबर तो ए, कल कितनी बार फोन किया मैंने तुझे? जब संयुक्ता और लावण्या को मारने को कहा था तो तूने सिर्फ लावण्या को क्यों मारा? बोलता क्यों नहीं कुछ? तूने अभी तक संयुक्ता को नहीं मारा है ना? क्योंकि अगर मार दिया होता तो प्लान के मुताबिक आज लावण्या के बजाय उसकी बॉडी मिलनी चाहिए थी। अच्छा मैं समझ गया। बोल कितने पैसे चाहिए तुझे, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ, पर उसे अभी के अभी खत्म कर। गुड लक मिस्टर विक्रमादित्य। कौन है बतू? जो खेल तूने शुरू किया है उसे खत्म करने वाला विनर हूं मैं। क्या खेल खेला है, खिलाड़ी तो बहुत सारे थे पर उन सब के पीछे दिमाग सिर्फ तेरा। सुपर। तेरे बाप ने आधी जायदाद जब संयुक्ता के नाम पर कर दी तब तूने सोचा कि उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तुझे पता चला कि संयुक्ता मुझसे प्यार करती है तो मुझे मोहरा बनाकर तूने उसे मारने का प्लान बनाया। संयुक्ता के कत्ल का शक तुझ पर ना आए इसीलिए तूने किडनैपिंग का प्लान बनाया। इसे किडनैप करके अपने पास रखना है और जब मैं कहूं उसे मारकर इसकी लाश को मेरी बताई हुई जगह पर फेंक देना है। सीएमआर सेंट्रल मॉल की पार्किंग में तूने संयुक्ता को किडनैप करवाया और वही थी असली किडनैपिंग। लेकिन उसके साथ ही तूने नकली किडनैपिंग प्लान करवाई और तू चाहता था उसमें मैं फंस जाऊं, इसीलिए संयुक्ता को किडनैप करवाकर तूने लावण्या को मेरे पास भेजा। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र वर्मा की भांजी हूँ। तेरी नकली किडनैपिंग को अंजाम तक पहुँचाने के लिए जरूरी था कि मुझे पैसों की जरूरत हो। तूने मेरी माँ का एक्सीडेंट करवाया, फिर जब मैंने तेरे बाप को पैसों के लिए फोन किया तो तूने खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और इस किडनैपिंग के जाल में पुलिस भी आ गई। आई एम शरद चंद्र, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सर। फिर तूने पुलिस के सामने सारी किडनैपिंग के किस्से को असली बना डाला। संयुक्ता के लिए 50 लाख तो क्या, हम 50 करोड़ भी दे सकते हैं। पैसे लेकर मैंने तेरे बाप को फोन किया कि मैंने लावण्या को बस स्टॉप पर छोड़ा है। तभी तूने किडनैपर को फोन करके कहा कि संयुक्ता को मारकर उसकी लाश उसी बस स्टॉप पर छोड़ दे। लेकिन संयुक्ता के बजाय तुझे लावण्या की लाश मिली इसीलिए तू बौखलाकर अब किडनैपर को फोन कर रहा है। सही कहा ना? ए रुक शाणे, मैंने सब कुछ इतने अच्छे से प्लान किया था। तुझे तो सुबह से पता है जैसे सब तेरे सामने हुआ है। तूने सही दिमाग लगाया कि लावण्या को तेरे पास मैंने ही भेजा था और किडनैपर का फोन तेरे पास है तो तूने जरूर उसका भी पता लगा ही लिया होगा। लेकिन इस सब के पीछे मेरा हाथ है, ये तुझे कैसे पता चला? चालाक से चालाक चोर भी जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती कर बैठता है, तूने भी वही किया। मैंने कौन सी गलती की? अभी तक समझ में नहीं आया। तूने जो गलती की है वो इस वक्त तेरे हाथ में है, ध्यान से देख। कल मॉल में पैसे देते वक्त मैंने तेरा फोन एक्सचेंज करवाया था और तूने उसी फोन से किडनैपर को फोन किया। अभी तक तूने पूरी दुनिया को एक मुजरिम का खेल दिखाया है, लेकिन आज के बाद मैं तुझे एक पुलिस वाले का खेल दिखाऊंगा। हम किसी मैदान में नहीं है जो तू मुझे अपना खेल दिखाएगा, ये मेरा चक्रव्यूह है। किसी चक्रव्यूह में फंस जाए वैसा अभिमन्यु नहीं हूं मैं। पुलिस अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वो हॉस्पिटल ढूंढना होगा जहां उस किडनैपर को लेके गए। चलो। 108, may I help you? कल रात सिल्वर बीच रोड पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था, क्या आप बता सकती हैं कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था उन्हें किस हॉस्पिटल में भर्ती किया? सी शोर हॉस्पिटल्स। Yeah.
सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। सारे सीसीटीवी कैमरास बंद करवा दिए हैं, पुलिस कवर भी हटा दिया है, आप उसे ले जा सकते हैं। कहाँ है वो? संयुक्ता को क्यों नहीं मारा तूने? जब आपने फोन किया था मैं उसे मारने ही वाला था। Have a nice journey. किसने कहा है मुझे मारने के लिए? ओ अच्छा, आखिरी ख्वाहिश, तुम्हारे मामा का बेटा विक्रमादित्य। कितने पैसे दिए उसने? 5 करोड़। मैं 10 करोड़ दूंगी, मुझे छोड़ दो। 10 करोड़ अगर मंजूर है तो अभी तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर देती हूँ। तेरह करोड़ 36 लाख, मुझे ये सारा पैसा चाहिए। ठीक है, अकाउंट नंबर दो। 0514-1144-15392। कितना टाइम लगेगा? तुम्हारा अकाउंट नंबर ऐड कर लिया है, पैसे ट्रांसफर होने में 1 घंटा लग जाएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, पैसा अभी ट्रांसफर करो। तो फिर अपने अकाउंट से लॉगिन करके मुझे पैसे रिसीव करने की रिक्वेस्ट भेजो, जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगी पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भेज दी है, एक्सेप्ट कर लो। हेलो, मार दिया उसे? मार दिया सर। समीक्षा की डेड बॉडी को सिल्वर बीच रोड पर फेंक दो। ओके सर। दूसरा टारगेट? उसी रोड के गीता बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा है, फोटो मैसेज कर रहा हूँ। उसे मारकर डेड बॉडी को कहीं दूर ठिकाने लगा देना। ओके सर। पैसे आ गए, मैं निकलती हूँ। मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। जरा नीचे देखो तो। पैसे हो गए हैं ट्रांसफर? हाँ, पर तुम्हारे अकाउंट से मेरे अकाउंट में। मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भेज दी है, एक्सेप्ट कर लो। हेलो, तो आप बताओ तुम्हें मेरी जान चाहिए या अपना पैसा? अपना पैसा वापस लेना आता है मुझे। I will be back. आदित्य, मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, मुझे लेने कोई भी नहीं आया, और मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे? 8888 ब्लैक स्कॉडा तुम्हें पिकअप करने आ रही है, उसमें बैठ जाना।
इसका मतलब संयुक्ता 4 दिन से उसी फार्म हाउस में है। क्या सबूत है? अपना फोन दो। ये एक डार्क रूम है। मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता कि यह कमरा कहाँ है। अंदर कोई कितना भी चिल्लाए आवाज बाहर तक नहीं आ सकती। संयुक्ता सांस नहीं ले पा रही है, मतलब रूम का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से वो लगभग 1 या 2 घंटे तक और जिंदा रहेगी। हेलो, तेरी महबूबा के पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो 1 घंटे में मर जाएगी। इतनी छोटी सी बात सुनकर सदमा लग गया क्या? हाँ, वो तू कुछ पुलिस का गेम दिखाने वाला था, उसका क्या हुआ? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब या तो तू खुद की बेगुनाही साबित कर ले या फिर संयुक्ता को बचा ले। केवल 1 घंटा है तेरे पास, केवल 1 घंटा बचा सकता तो बचा ले अपने प्यार को। ये 1 घंटा फैसला करेगा कि जीत तेरी होगी या मेरी। टाइम शुरू होता है अब। हेलो, संयुक्ता को बचाने के लिए हमें उस किडनैपर को पकड़ना होगा। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। क्या हुआ? उसने बताया कि संयुक्ता कहाँ है? तूने कैसे सोच लिया कि मैं कोई सुराग छोड़कर जाऊंगा? तेरी ये हालत देखकर मुझे एक स्कूल में पढ़ी हुई कहानी याद आ गई। बहुत समय पहले एक राज्य हुआ करता था। राजा के 2 वारिस थे, राजकुमार और राजकुमारी। राजा के मरने के बाद वो दोनों ही पूरा राज्य संभालने वाले थे। पर एक दिन राजकुमार ने सोचा कि क्यों ना वो पूरा राज्य ही हड़प ले राजकुमारी को मारकर। लेकिन राजकुमारी को एक सैनिक से प्यार हो जाता है जिसे वो राज्य का शासक बनाना चाहती है। तो पता है उस राजकुमार ने क्या किया? अपने एक जासूस से उसने राजकुमारी को अगवा करवा लिया और गुफा में छुपा कर रख दिया। अब वो सैनिक हर जगह भटक कर अपनी राजकुमारी को ढूंढता फिर रहा है लेकिन बस राजकुमार को पता है कि वो कहाँ है। और जानता है कि वो राजकुमार इस वक्त कहाँ है? वो उसी गुफा के बाहर खड़ा है। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा। अगर राजकुमार ने राजकुमारी को मार डाला तो फिर राज्य का नया राजा बनूंगा मैं। लेकिन अगर सैनिक ने राजकुमारी को बचा लिया तो नया राजा बनेगा वो, यानी तू। चल अब बता, कौन बनेगा राजा? बोल, कौन बनेगा राजा? हाँ, तू या मैं? राजा, राजा मैं बनूंगा। तू कैसे बनेगा? तेरी राजकुमारी को तो मैं मारने वाला हूं। अच्छा, राजकुमारी गुफा से भाग गई। What?
कैसे किया? केवल एक घंटा है तेरे पास, केवल एक घंटा बचा सकता तो बचा ले अपने प्यार को। क्या हुआ? हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर फार्म हाउस में क्यों रखा गया था? मतलब वहाँ कोई ऐसा कमरा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? नो चांस, हमने सभी रूम्स अच्छे से चेक किए थे। फार्म हाउस के हर कमरे के दरवाजे पर एक इंग्लिश लेटर था। क्या मतलब है उनका? यस, अरविंद। उसके नाम में 8 अक्षर है और फार्म हाउस में 8 कमरे भी। हर एक अक्षर एक एक कमरे के ऊपर लगाया गया है, लेकिन एन अक्षर का कमरा वहां नहीं था। मतलब हमें जाकर वही कमरा ढूंढना होगा। यस। सिर्फ 20 मिनट बचे। ए आई एच आ ए यही एन तो हम ढूंढ रहे थे। मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। वैष्णवी, मैं संयुक्ता को लेकर कमिश्नर के पास जा रहा हूं, तुम मीडिया को लेकर वहां पहुंचो। ओके। विक्रमादित्य, क्या हीरो, अपने प्यार को बचाने के चक्कर में हॉस्पिटल में पड़ी अपनी माँ को भूल गया? जानना नहीं चाहेगा कि तेरी माँ जिंदा भी है या किसी ने उसे मार दिया? विक्रमादित्य, तुम्हें मुझसे मतलब है ना? आंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर चाहती हो कि उन्हें कुछ ना हो तो विजय को लेकर हमारी सीमेंट फैक्ट्री पर आ जाओ। चलो। ने कहा था ना कि आप इसके साथ रहेंगी, इसे बचाएंगी, तो बचाइए इसे, बचाइए। मेरा सपना था कि एस ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को मैं आदित्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बदल दूं, और जो भी मेरे इस सपने के बीच में आएगा उसका यही हश्र होगा। तूने इसको बचाने के लिए कितनी मेहनत की, नहीं? अब मैं इसे तेरी ही आंखों के सामने मारूंगा। चल अब बता, कौन जीता? तू जीता या मैं? हमारी हार और जीत तो इंसान के दो कदमों की तरह होती है, बस एक ही पल में हार जीत में बदल सकती है। मानना पड़ेगा। तुझे अभी भी लगता है कि जीत तेरी हो? तुझे लग सकता है कि तू मेरे सामने इसे मारेगा, तो मुझे क्यों नहीं लग सकता कि जीत मेरी होगी? लगता है तुझे गन का मतलब नहीं पता।
अगर ये चल गई तो भेजा उड़ा देती है। Combat model, 9mm pistol, caliber 45 ACP, trigger single action, magazine capacity 8 rounds, weight 1077 grams, loaded magazine weight 123 grams, total weight 1200 grams. 1200 ग्राम की वजन वाली पिस्टल से जब कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से निशाना लगाता है तो उसका हाथ 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, लेकिन तेरा हाथ 40 डिग्री के एंगल पर, मतलब तेरी गन में बुलेट्स नहीं है। बिना बुलेट्स की गन से भेजा उड़ाएगा कैसे? बुलेट्स कैसे नहीं है, मैंने खुद लोड की थी। ये देख, ये रही बुलेट्स। पुलिस के साथ खेल खेलने के लिए दिमाग बुलेट से भी ज्यादा तेज होना चाहिए। Now the show begins! Your game is over. Ladies and gentlemen, आज से हमारी S Group of Companies की नई चेयरमैन हैं मिस संयुक्ता। बीस साल पहले मैंने इस कंपनी का नाम इसके नाम पर रखा था और आज ये पूरा बिजनेस ही संयुक्ता के नाम पर ट्रांसफर करता हूँ। मैडम आप भी साइन कर दीजिए। संयुक्ता कितनी खुश लग रही है, यही सही टाइम है, उसे जाकर कह दे अपने दिल की बात। वो कॉफी शॉप में काम करने वाली संयुक्ता नहीं है माँ, संयुक्ता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की MD है। लेकिन तू तो उसे पहले से ही प्यार करता है ना बेटा। इंसान का दिल लालची होता है, हर चीज पाने की इच्छा रखता है, पर हर इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है माँ। कभी कभी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, पर मेरा प्यार हमेशा
दोस्ती तक ही सीमित रहेगा। चलो चलते हैं। मैडम आपने अपना सरनेम लिखना तो भूल ही गई। विजय ये यहाँ सरनेम लिखने को कह रहे हैं, मैं अपना सरनेम लिखूं या अपने नाम के साथ तुम्हारा सरनेम लिखूं?